अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ अंदर? हम लोग वीडियो बना रहे थे, मतलब अपना ही बाइक का ये सब, तो वीडियो बनाने से रोक दिया। सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है जिसको टूरिंग तो छोड़ दो, आप नॉर्मल कम्यूट भी नहीं कर सकते। मस्त एकदम कॉफ़ी पीने के बाद सुबह का कुछ काम किया, थोड़ा पढ़ा, एंड इट वाज अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ मॉर्निंग। बट आज उठने में मुझे देर हो गया क्योंकि इतना अच्छा बारिश हुआ ना, बहुत हाई मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है अगर आप इस चीज़ से बाहर आके अपना बेड छोड़ना चाहते हो सुबह। तो आई होप बहुत लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अभी का प्लान ये है कि धीरज आ रहा है, धीरज के आते ही हम लोग को जाना पड़ेगा फटाफट से बजाज डोमिनार के सर्विस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं और बजाज डोमिनार अका वायु अब सेफ नहीं रहा चलाने के लिए। इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। लेट्स गेट अप, रेडी होके सीधा निकलते हैं। पता नहीं एक दिन में और क्या क्या होगा। एक तो हम लोग ऑलरेडी लेट निकले जाने के लिए, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, धीरज पीछे बाइक लेकर के आ रहा है, और उसके ऊपर से बीच में बारिश ने हमें स्लो कर दिया। आधे घंटे बाद बारिश थोड़ा सा कम हुआ है तो हम लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत लेट है बट देखो क्या होता है, कब तक पहुंचता है। और ये बारिश के इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई को चला के? सुबह मैंने आप लोगों से एक रिस्क फैक्टर के बारे में बोला था कि अब बाइक को चलाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो गया है, वो इस वजह से था। एक बार दिखाना भाई, यहाँ पे आप लोग देख लो ABS का लाइट जला हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ABS इस बाइक में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, एक डेढ़ महीने पहले एक बार ऐसा हुआ था, तब मैं बजाज के सर्विस सेंटर गया था, उन्होंने एरर कोड डिलीट कर दिया था अपना केबल वगैरह लगा करके, लेकिन दोबारा से ये चल गया। एंड इस समय अकॉर्डिंग टू देम 100% चांस है कि ABS का जो मोटर होता है ना बाइक में वो जल गया है। तो ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है जिसको टूरिंग तो छोड़ दो, आप नॉर्मल कम्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार ABS एक सेफ्टी नेट होता है, हम सबको पता है कि नहीं भाई। बिना ABS के ये भी स्लो स्लो आ रहा है क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट अब देखो 41,000 किलोमीटर चल चुका है। जब से ये प्रॉब्लम आया है ना एक डेढ़ महीने से, देखो मैंने बाइक तो ज़्यादा यूज़ करा नहीं है, आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसका। और इधर से देखो ये वाला ऑलमोस्ट पूरा बैंड हुआ पड़ा है यहाँ पे। एक बार मैं नदी क्रॉस कर रहा था इसको लेकर के, क्रॉस करने के बाद इसका जो टायर है वो ख़राब है, नदी क्रॉस करने के बाद में गिर गया था, जिसकी वजह से इस साइड बाइक गिरी और ये पूरा बेंड हो गया। ये सब भी सर्विसिंग में आएगा, टायर ये सब तो है ही, ABS वाला जो फैक्टर था मैंने बता ही दिया। और बाय द वे बाइक चलाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन धीरज इसलिए चला रहा है क्योंकि एक तो धीरज का हाथ उतना साफ़ नहीं है गाड़ी में फर्स्ट, और सेकेंडरी जो चीज़ है वो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये Z-Link का सस्पेंशन है और Z-Link का रियर सस्पेंशन है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैंने Z-Link का सस्पेंशन लगाया हुआ है फ्रंट एंड बैक। Z-Link है, आफ्टर मार्केट कंपनी है। अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा था, आई वुड हाईली रिकमेंड, एक बार जाके आप ज़रूर देखना। उसके बाद फ्रंट सस्पेंशन के लिए ये फ्लूइड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स, क्योंकि फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है वो भी Z-Link का है। ये एक ASG का रैम माउंट है जो कि नॉर्मल रैम माउंट की तरह नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टायर्स, ये जो टायर्स है ना ये भी ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स है, डुअल पर्पज टायर्स है, मतलब इस बार तैयारी पूरी तगड़ी है यार, फाड़ देंगे इस बार। और जो ये टायर का प्रोफाइल है ना, ये स्टॉक प्रोफाइल नहीं है जो डोमिनार 400 में स्टॉक आता है। जिस हिसाब से मैंने अपने हाइट वेट और टूरिंग नीड के हिसाब से ये पूरा अपना सस्पेंशन ट्यून करवाया है ना Z-Link से, उसी हिसाब से मैंने टायर भी चूज़ किया, जो कि आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में पता लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सस्पेंशन इंस्टॉल करवाने के बाद भी ये मैं दोबारा से क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाइक का सस्पेंशन लीक हो गया था, रियर सस्पेंशन, एक बार नहीं दो बार। इस चीज़ को मैंने वीडियो में कवर नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था यूट्यूब पे, बट ऑफलाइन मैं बाइक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। और अभी जो मैंने ABS का फॉल्टी ABS के बारे में बताया आप लोगों को, ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है बाइक को ऑफ द रोड,
जिस वजह से ABS का मोटर जो कॉइल वगैरह होता है उसमें जल गया होगा। अभी तक ये सारे assumptions है, देखते हैं बाकी आगे आगे क्या होता है ना। भाई एक काम करते हैं, फटाफट तू निकल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, ठीक है? एक बार बाद में मिलते हैं, चल बाय। रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ABS को चेक करने का फैसला किया है, तो अभी टैंक में उतार करके, यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक पे देखे गया, टैंक उतार करके ABS का जो मोटर है वो निकाल करके वो लोग चेक करने वाले हैं, और आज ही पता चल जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है। मैंने ये पूरा चेकलिस्ट बना लिया है यहाँ पे ताकि कुछ छूट ना जाए। ये है ना ABS का मोटर, गर्म भी हो गया यार। अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ अंदर? हम बता रहा। एक्चुअली हमारे यहाँ आए हुए करीब एक घंटा हो गया, मोटर का फॉल्ट आ रहा है ABS का, उसके वजह से 100% अब श्योर हो गया, मतलब जिसका हमें डर था वही हुआ है ना भाई। ABS का मोटर चेंज करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ अंदर, क्या हुआ हम बता देते हैं। बता दो। हम लोग वीडियो बना रहे थे, मतलब अपना ही बाइक का ये सब, तो वीडियो बनाने से रोक दिया, इसीलिए अभी हम लोग बाहर आ गए वीडियो बनाने के लिए। पहले हम लोग सोच के आए थे कि टायर वगैरह सभी छोड़ देंगे, बाइक जब हो जाएगा आएंगे फिर टायर चेंज करवाएंगे, फिर XYZ 50 तरीके का चीज़ सोचा था, और एलो व्हील का बैलेंसिंग भी करवाना था हमें। बट अभी एक चीज़ अच्छा हो गया, अभी हम एलो व्हील और टायर वापस लेके जा रहे हैं अपने साथ, उसे करवा उरवा के रख देंगे साथ में, बाकी नेक्स्ट जब बाइक लेने आएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे और लेके जाएंगे, है ना। बार बार आने जाने वाला झमेला ख़त्म हो जाएगा, है ना भाई। हाँ चलो, वी आर सेट, वी आर सेट फॉर नथिंग ऑब्वियसली। तो बाइक आज नहीं मिली, टायर का सारा चीज़ हमने ले लिया है, वो करवा देंगे बाद में। अभी कहाँ चलेगा बता? अभी तिनसुकिया टाउन। हम लोग तिनसुकिया में ही है भाई, तिनसुकिया कॉफी पिएगा, थोड़ा स्टेज हो गया रहा ना तिनसुकिया से, शॉर्ट्स नहीं पियेंगे। एक और जगह आप लोग को लेके चलते हैं जहाँ पे हम लोग अक्सर जाया करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स नहीं मिलता, बट दे ऑल्सो शेयर रियली का गुड कप ऑफ कॉफी, राइट? मतलब तुमको अच्छा लगता है वहाँ कॉफी? हाँ। हमको भी अच्छा लगता है वहाँ का अमेरिकाना, तो वहीं चलते हैं ना, वहीं पे चलते हैं। चलो चलो, और मौसम अभी एकदम उलट है, जैसा आते समय लगा तो था भाई बारिश छोड़ेगा ही नहीं, और पिछले कुछ दिनों से जो आसाम का हालत था ना भाई, मतलब हर जगह का हमें लगा वो फिर से आ गया पूरा बारिश वाला चीज, लेकिन थैंक गॉड, थैंक गॉड। बाकी आज का दिन काफी अच्छा गया, जिस तरीके से बारिश ने हमारा काम खराब करना स्टार्ट किया था, ऐसा लगा नहीं था कि इतना कुछ हम लोग शूट कर पाएंगे एक दिन में, है कि नहीं। बाकी जब हम लोग व्हील लेकर के गए थे उसे अलाइनमेंट के लिए भी दे दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। कल कलेक्टिवली कल या परसों कलेक्ट करेंगे, मतलब जब भी हम लोग बाइक कलेक्ट करने जाएंगे तब पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ का कितना कॉस्ट आया, ताकि आप लोग भी अगर इस तरीके का मेजर सर्विस करवाना चाहते हो तो आप लोगों को हेल्प हो सके। बस यही है ना भाई, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन। और बाकी जितने भी ये सब प्रिपरेशंस हो रहे हैं एक स्पेशल राइड के हो रहे हैं, होपफुली जैसा जैसा मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसा एग्जीक्यूट हो जाए तो मज़ा आ जाए। वंस अगेन वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलूँगा मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आई होप यू डोंट माइंड माई वॉइस, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छा लगा तो, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
My name is Vishal and I'll see you again with the same enthusiasm. Jai Hind.